हेलो भाई, मैं उन पर बार, अगर आप एक बजट लेके चल रहे हैं 20 लाख रुपए के लगभग और आप चाहते हैं एक बेस्ट कार, एक एसयूवी चलाने में मजा हो, डीजल हो, ऑटोमेटिक हो, तो ये वाली गाड़ी आपके लिए है। ये भाई स्कॉर्पियो इनका Z6 वेरिएंट 2024 में अब आपको क्या क्या इस गाड़ी के अंदर मिलता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई इस गाड़ी के वेरियंट्स के साथ। इसमें Z2, Z4, Z6, Z8, Z8L ऐसे 5 वेरिएंट हैं। उनमें भी फिर आप 4 वेरिएंट लगाओ, पेट्रोल ऑटोमेटिक, पेट्रोल मैनुअल, फिर डीजल ऑटोमेटिक, डीजल मैनुअल, फिर और एक्स्ट्रा जोड़ दो डीजल में 4x4 आपको मिल जाते हैं। तो ये वाली जो है आज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस गाड़ी की कीमत है 20,76,000 रुपये के लगभग ऑन रोड हरियाणा में। और ये है आपका Z6 डीजल ऑटोमेटिक। इतनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है ना, आज आप फीचर्स देखेंगे तो आप खुद भी भाई बहुत इससे इंप्रेस होने वाले हैं कि भाई लेने लायक और वैल्यू फॉर मनी जिससे कहते हैं वो वाली चीज़ इस गाड़ी के अंदर आपको भर भर के मिलती है। सबसे पहले देखो भाई, Z6 वेरिएंट बीच में स्टैंड करता है, Z4 के बाद आता है और Z8 से नीचे आता है। इसमें आपको हेलोजन लाइट मिलती है, हाई बीम लो बीम के लिए अलग अलग है। इसके अंदर DRL वगैरह नहीं मिलेंगी, ना आपको फोग लाइट वगैरह का सेटअप मिलता है, कोई फ्रंट पार्किंग सेंसर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ना यहाँ पे कैमरा मिल रहा है। और जो ग्रिल आएगी ना वो भी क्रोम की नहीं है, ये आपकी सिल्वर की ही देखने के लिए आपको मिलती है। सारा बल्ब बेस सेटअप है, ये देखो यहाँ पे आपका बल्ब जलता रहेगा। इसके ऊपर Z8 में जाओगे तो आपको पूरी चीज़ भर जाती है, लेकिन उसके लिए आपको फिर 2-2.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं भाई, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव चले जाते हैं जब हम इसके और फीचर्स की बात करेंगे उसके आगे। साइड से बात करते हो तो गाड़ी भाई आपको थोड़ी सी मिसिंग लगती है इसके अलॉय व्हील्स की वजह से। इसके अंदर 17 इंचेस के व्हील्स तो दे रही है कंपनी, मतलब टायर्स तो दे रही है, लेकिन भाई इसके अंदर आपको स्टील रिम नॉर्मल देखने को मिलते हैं विद व्हील कैप्स। इसके अंदर अलॉय वगैरह आपको Z6 में नहीं मिलते, ना साइड में यहाँ पे क्रोम वगैरह की कोई भी वो आ रही है, ना क्रोम डोर हैंडल्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे एड्रेनोक्स आ जाता है गाड़ी के अंदर, मतलब टेक्नोलॉजी कनेक्टेड गाड़ी है। कॉस्मेटिकली थोड़े से इन्होंने यहाँ पे फीचर कम कर रखे हैं, लेकिन जहाँ पे बात आ गई थोड़ी सी टेक की और वो सब की, वो आपको भरपूर मिल जाता है Z6 में। अब देखो जैसे जरूरत की जो चीज़ रूफ रेल है वो भी आ जाएगी, शार्क फिन एंटीना, पीछे आप जाओगे तो भाई इस तरीके की लुक आती है। इसके अंदर आपको मिलते हैं भाई 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, आपको जो स्टेपनी मिलेगी स्प्रेड टायर वो मिलता है भाई नीचे साइड, अगेन वो भी अपने 17 इंच का शील्ड रिम हमको मिलेगा। इसके अंदर कैमरा वगैरह नहीं आता, या आफ्टर मार्केट या फिर महिंद्रा से करीबन 6-7 हज़ार रुपये का वो लोग लगाते हैं खुद ऑन करके, उसमें वो आप डलवा सकते हैं। वाइपर डिफोगर यहाँ पे आएगा, जब हम इसका बूट खोलेंगे तो इतना आपको बूट स्पेस वगैरह मिलेगा। और यहाँ पे मिलती है Z6 के हमको टूल किट वगैरह, पूरा जैक वगैरह, और जैक कहाँ होता है इसका महिंद्रा स्कॉर्पियो का, यहाँ पे तो ये थर्ड रो वगैरह, मतलब 7 सीटर ऑप्शन में तो इनके सारे ही वेरिएंट है, बेशक आप Z2 ही क्यों ना लेते हो। स्पॉइलर वगैरह भी कंपनी से आ रहा है। गाड़ी ओवरऑल मतलब ऐसी है, बाहर से अगर आपने थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन करवा दी ना, थोड़ी क्या मतलब ये अलॉय डलवा दी और लाइट वाइट डलवा दी, कोई बता नहीं सकता कि गाड़ी आपकी Z8L है या फिर आप Z6 चल रहे हैं। अब चाबी की बात करोगे तो भाई इस तरीके की हमको मिलती है, सब वेरियंट्स में सेम चाबी है भाई। की में भाई सेंटर लॉकिंग मिलेगी, लॉक अनलॉक का बटन, और यहाँ से अपना आप इंडिकेटर हजार लाइट वगैरह जला सकते हैं। चलो भाई गाड़ी के अंदर भाई इसमें कीलेस एंट्री वगैरह नहीं मिलेगी, तो हमको यहीं से लॉक अनलॉक करनी पड़ती है गाड़ी, और प्रेस करने पे कोई भी साउंड भी ये नहीं करती है कि टू टू फू टू कुछ भी आपको सुनने को नहीं मिलता है। अब आप इंटीरियर से बात करोगे तो भाई यहाँ पे कहीं भी आपको सॉफ्ट टच वगैरह नहीं मिलेगा, ये पूरा आपको ब्लैक ही फ्रेश मिल रही है। ये चारों पावर विंडो मिलेंगी और इसके अंदर ऑटो फोल्ड मिरर्स वगैरह नहीं है, हालांकि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल तो है, वो आपको जरूरत नहीं है भाई वो डंडी सी से आप करो, एडजस्टेबल मिल रहे हैं लेकिन फोल्डेबल नहीं मिलेंगे। इसके साथ ये पूरा सब कुछ प्लास्टिक है, लेकिन लगता है ऐसा है कि हाँ मतलब वो टॉप मॉडल वाली फिनिश, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ चीप सी फील होती है। सीट कवर वगैरह नहीं आएंगे भाई, फैब्रिक की आपको नॉर्मल सीट्स मिलेंगी। हाइट एडजस्टेबल आपको सीट मिल रही है, लंबर सपोर्ट को आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लंबर सपोर्ट क्या होता है भाई, कमर में जो आपको पीछे सपोर्ट मिलता है इसको हम लोग वो बोलते हैं। यहाँ पे इसमें कोई भी कंट्रोल वगैरह नहीं मिलेगा और की हमको यहाँ पे लगानी पड़ती है, इसमें पुश स्टार्ट बटन वगैरह नहीं आता है भाई Z6 वेरियंट में। अब देखिए आप इसमें अंदर Z6 में सनरूफ भी आ रही है भाई, कमाल की चीज़ ये है। जैसे मैं गाड़ी को ऑन करूंगा, ये है अपनी डीजल ऑटोमेटिक, इसके अंदर टोर्क कन्वर्टर आता है 6 स्पीड। इसके अंदर से स्क्रीन भी सेम टू सेम वही मिल रही है जो हमको टॉप ब्रांड्स में देखने को मिलती है, इसमें भी कोई भी बदलाव यहाँ पे महिंद्रा ने नहीं कर रखा है। ये भाई हमको रेंज बताती है, एवरेज बताती है, यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा डिजिटल स्पीड, व्हीकल इन्फो, मतलब TPMS वगैरह फीचर आपको इस वाले इवेंट में नहीं मिलता है, उसके लिए भाई आपको Z8 में जाना पड़ेगा। TPMS क्या होता है, जो अपने टायर वगैरह की हवा बताता है ना कि कितनी है कितनी नहीं है, वो इसमें मिस रहेगा भाई। इसके अलावा ऑटोमेटिक हेडलाइट्स वगैरह भी नहीं है इसके अंदर, यहाँ पे हमको वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है Z6 वेरिएंट में। और अगर आप स्टेयरिंग की बात करोगे तो इसको आप खोल के ऊपर नीचे कर सकते हो, आगे पीछे करने का ऑप्शन नहीं है। सबसे बेहतरीन बढ़िया चीज़ क्या है भाई, इसके अंदर आप एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार अपने वायरलेसली चला सकते हो,
ये देखिए भाई साहब, अब कोई केबल वेबल कुछ कनेक्ट नहीं है, हम स्टिल में अपना कार प्ले वगैरह यूज कर सकता हूँ। जस्ट आपके पास होना चाहिए एप्पल का ये इस तरीके का आईफोन, या आप ऐसे कनेक्ट करके आराम से एंड्रॉइड एप्पल कार प्ले के मजे ले सकते हैं। स्पीकर वगैरह इसमें 4 स्पीकर आते हैं भाई, 2 ट्विटर देखने को मिलेंगी, आवाज डिसेंट है, बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इसके बाकी कंट्रोल मिलता है, ये पूरा पोर्शन तो भाई टॉप मॉडल जैसा ही है, बस यहाँ पे फर्क है उस टॉप मॉडल में यहाँ पे कैमरा ऐड हो जाता है फ्रंट का, जो कि आपको इसमें नहीं मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिल रहा है, ड्राइव मोड मिलते हैं, जिप जैप जूम, ये देखिए यहाँ पे मैं प्रेस करके रखूंगा इसको या 2 बार प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से मोड सेलेक्ट कर सकते हो, बट ये सब गिमिक है भाई, ये काम ज्यादा है नहीं। यूएसबी मिल रहा है, एक चार्जिंग के लिए पोर्ट मिल रहा है, स्लो ही है यार इसके चार्जर, मेरे को इतने पसंद नहीं आए। यहाँ पे वायरलेस चार्जर वगैरह हमको नहीं मिलता है, ये इसका गियर नोब हो गया। ओ भाई साहब, सबसे खूबसूरत चीज तो गाड़ी में ये आ गई, जैसे ये गाड़ी हमने नई निकलवाई अभी भाई कल परसों ही, इसके अंदर भाई कुछ चीज हम रखें ना रखें, कोई एक्सेसरी फैसेसरी डलवाए ना डलवाए, मैट वैट, लेकिन इन्वॉल्व के परफ्यूम तो होने चाहिए, क्योंकि इसके बिना भाई गाड़ी अधूरी सी लगती है। अच्छी फ्रेग्रेंस गाड़ी में होना मस्ट है आज की तारीख में। तो अपनी इस एंड में भाई मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे लेवेंडर वाला ये इन्वॉल्व का परफ्यूम, जस्ट 2 स्प्रे करने होती है इस बोतल से, और 2 से 3 महीने तक आराम से ये बोतल चलती है और आपकी गाड़ी को पूरा फ्रेश रखती है। तो इन्वॉल्व सेंसेस के कई सारे परफ्यूम आते हैं, कई सारे वेरिएंट हैं, आप कोई से भी जाके खरीद सकते हैं involvesessories.com पे। यहाँ पे हमको हैंड ब्रेक मिल रही है, 4x4 ये नहीं है भाई, तो हमको 2 का फोल्डर्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये इसका आर्म रेस्ट हो गया भाई, बेटे भाई जहाँ भी हाथ डाल रहे हैं वही नोटो गड्डी है भाई, स्कॉर्पियन भाई लेता ही वही बंदा जिसके पास नोटो की कमी ना हो। यहाँ पे भी कोई आपको सॉफ्ट डिस्क वगैरह नहीं मिलेगा, और यहाँ पे अपने को मिलता है भाई इसका ग्लव बॉक्स, यहाँ पे अपना पेपर वेपर आप रखोगे, ये इसका मैनुअल ओआरवीएम मिलता है। यहाँ पे हमको मिलता है इसका भाई सनग्लास होल्डर, लाइट वगैरह इसकी बहुत तेज है ये वाली। पे आप बात करोगे तो कोई भी आपको मिरर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है यार। अरे एक जगह तो देना चाहिए था, डेड डेट में आता उधर साइड बस। यहाँ पे ग्रैब हैंडल वगैरह मिल रहा है, इस गाड़ी के अंदर 2 एयरबैग मिलते हैं सैडली। यहाँ पे देखो इसमें एयरबैग नहीं मिलेगा, ऊपर वाले वेरिएंट में जाओगे डेड डेट में वहाँ पे 6 एयरबैग मिलते हैं, इसमें 2 ही आएंगे भाई केवल। यहाँ इसका माइक मिलता है, ये सनरूफ खोल लो इस तरीके से, सनरूफ खुल जाती है इसके, अपने बालक बच्चों को मौज दिलाओ खड़े करके, लेकिन खड़ी गाड़ी में। पीछे की साइड जाएंगे तो भाई यहाँ पे इन सीट्स को भी हम रिक्लाइन कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये भी फैब्रिक की सीट्स आएंगे भाई। देखो ये वेरिएंट ना उनके लिए है भाई जो थोड़ा आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, अगर आपको स्टॉक गाड़ी रखनी पसंद है ना तो फिर तो मेरे ख्याल से आपको इसके ऊपर Z8 में अपग्रेड कर लेना चाहिए, बहुत वैल्यू फॉर मनी सा है यार वो वाला, तो मतलब मैं बेस्ट सही है वो, एक बार ले लिया ना आपने बाहर छिड़वाने की जरूरत नहीं। इसमें देखो ये सीट कवर वगैरह का काम करवाना पड़ेगा आपको, लिटिल लिटिल सा ये सब चीज थोड़ी सी इसकी फीकी सी लगती है, ये सब थोड़ा फीका फीका सा लगता है, मतलब थोड़ी बेस वेरिएंट जैसी लुक थोड़ी थोड़ी सी आपको Z6 में देखने को मिल जाती है, मतलब एकदम प्रीमियम वाली फील नहीं आती है। पीछे इवेंट्स आ रहे हैं, यहाँ से अपना पंखा वंखा ऑन कर सकते हो, एक टाइप सी पोर्ट आपको Z6 में भी देखने को मिल जाता है। पीछे एक लाइट ये आ रही है जिसके अंदर 4 LEDs लगा रखी है, ये दिखती भी हमको। बैठने में भाई कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबल है पीछे की सीट्स, मतलब फॉर्च्यूनर से ज्यादा कंफर्टेबल हमको पीछे की सीट्स इसकी मिलती हैं, ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है, गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है लंबी लंबी जर्नीज करने के लिए, बेस्ट है भाई। और बात रही भाई पीछे जाने की, तो यहाँ पे हमको इसमें ऐसे ये करना पड़ता है, सीट हो जाती है हमारी इस तरीके से, और ये हम पीछे थर्ड रो में जा सकते हैं। थर्ड रो भी भाई देखो इमरजेंसी में चलने के लिए ठीक है, बाल बच्चे बैठा होगे वो ज़्यादा सही रहेंगे, पर एक 7 सीटर है कि इमरजेंसी केस में मतलब बन जाती है आराम से, आपको पूरा सहयोग दे देगी। यहाँ पे हमको वो कुछ भी पीछे इवेंट्स वगैरह नहीं मिलता सैडली, और इस वाले वेरिएंट में ना ही कोई चार्जर वगैरह भी देखने को मिलता है, लाइट लुइट यहाँ पे कुछ भी नहीं है Z6 के अंदर। अब भाई देखो ये तो सब फीचर वाली बात हो गई, ये तो बाहर से आप डलवा सकते हो आउटर मार्केट। एक चीज जो ये शानदार आपको कहीं नहीं मिल सकती वो है भाई इनका ये एमोक इंजन, 2.2 लीटर का डीजल इंजन निकाल के देता है 175 BHP के साथ, 400 Nm का टॉर्क ऑटोमेटिक के अंदर भाई, और मैनुअल में 370 Nm का आएगा, और पेट्रोल में तो अंधी पावर भाई 200 BHP के साथ आपको वही अगेन 350 Nm का टॉर्क, मतलब पावर वाइज महिंद्रा ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी। और इनका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो तो मैं अभी आपको थोड़ी दिन पहले ट्रिप पे लेके गया था स्पीति व्हाइट कलर की अपनी, उसमें डीजल ऑटोमेटिक में मैंने वहाँ एक्सपीरियंस कर ली थी भाई, क्या लाजवाब है यार, मतलब क्या भागती है कसम से, मज़ा ही आ जाता है। इसका इंसुलेशन वगैरह हो गया अपना। बाकी बात रही भाई इसकी सेफ्टी रेटिंग की, तो ग्लोब एनकैप ने तो इसको 5 स्टार दे रखा है, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ट्रेंड में आया था इसको ऑस्ट्रेलियन एनकैप ने दिए थे भाई 0 स्टार, तो लोगों ने हवा बना दी कि क्या अनसेफ गाड़ी है 0 स्टार अगेन भाई। लेकिन भाई अब लोग पूरी स्टोरी तो जानते नहीं है, समझते हैं नहीं, 0 स्टार ऑस्ट्रेलिया में क्या रूल है, अगर एडास नहीं है गाड़ी में तो डायरेक्टली वो सीधा सीधा उसको 0 स्टार डिक्लेयर कर देते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर एडास वगैरह आता नहीं है भाई, ये उन लोगों के लिए थोड़ी है जो अपने आप गाड़ी चलवाएंगे, ये वो है जो लोग मर्द खुद अपने गाड़ी चलाना जानते हैं वो खुद चलाएंगे। XUV700 होती वहीं पर उसको पूरे स्टार दे देते, बट इसमें नहीं है एडास तो उन्होंने 0 डिक्लेयर कर दिया और इंडिया में हवा बन गई 0-0 ऐसे करके। और ऐसा नहीं है भाई, सेफ्टी भी इसको, इसमें अपने को 2 एयरबैग मिलते हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, 4 डिस्क ब्रेक हमको इसके अंदर देखने को मिलेंगी।
ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सारी चीजें आपको इस गाड़ी के अंदर सेफ्टी वाइज देखने मिल जाती है, बस कमी रह जाती है भाई एयरबैग्स की, जहां पे आजकल कोरियन ब्रांड्स बेस वेरिएंट से ही अपना 6-6 एयरबैग देने चालू कर दिया है। मेरे ख्याल से वो मिस आउट हो रहा है, बाकी तो भाई सारी ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 20 लाख रुपए के बजट में भाई 20.5 तक जाएगी मतलब मोटा मोटा, भाई इससे बेस्ट गाड़ी मेरी नज़र में तो नहीं हो सकती। जब पावर ऑटोमेटिक का मज़ा आपको सारी चीज़ ये देती है माइलेज वगैरह निकाल के, वो अनमैचेबल है मेरे ख्याल से, वन ऑफ द बेस्ट कार्स है इसके सेगमेंट में भाई ये वाली, मतलब कोई दूर दूर तक है ही नहीं इसकी कॉम्पिटिटर अगर आप ऑनेस्टली बात करते हो मार्केट में। तो ये थी Z6, आपकी क्या इस गाड़ी के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने लगा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।